start our today's class with our next topic. So our today's topic is skip counting. Skip counting. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं. व्हाट इज स्किप काउंटिंग? व्हाट डज स्किप काउंटिंग मीन? स्किप, अच्छा काउंटिंग तो आपको पता है क्या होती है. काउंटिंग मीन्स काउंट करना है ना, जैसे आप काउंट करते हो 1 2 3 4 ऐसे. स्किप करने का मतलब अगर किसी को पता हो क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. स्किप का हिंदी में भी अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बताओ व्हाट डज द वर्ड स्किप मीन. I will check from the chat box. Skip means? Leave. Leave means छोड़ देना. अच्छा skipping भी तो करते हैं ना. Skipping करते हैं. Skipping करना क्या होता है? Skipping किस किस को अच्छी लगती है? सिर्फ ऐसे hand raise कर दो, मैं देख सकती हूँ सबको. Jumping, skipping, jump करना, yes, jump भी बोल सकते हो, leap भी बोल सकते हो. जैसे हम skip करते हैं, है ना? Skipping जब हम skipping को हम बोलते हैं रस्सी कूदना, है ना? हम बच्चे करते हैं. तो skipping क्या होती है? Skip में हम क्या करते हैं ना? ऐसे skip करते हैं. मतलब अपने हम पैर उठाते हैं और हम उस रस्सी को skip करते हैं कि हमने उसे touch नहीं करना, हमने उसे leap करना है ना? एक तरह का हम उसमें क्या करते हैं? हम jump करते हैं. तो स्किप काउंटिंग में भी हम क्या करेंगे? हम एक तरह का जंप करेंगे नंबर्स. स्किप काउंटिंग इज आवर फर्स्ट टॉपिक. इसमें भी हम क्या करते हैं? इसमें हम नंबर्स पे जंप करते हैं. मतलब ऐसे हम फिजिकली जंप नहीं करेंगे, ठीक है? हम मैथ्स के सम्स लेके उसकी हेल्प के साथ जंप करेंगे, ठीक है? नेम समझ आ गया आपको? स्किप काउंटिंग मतलब नंबर्स को हमने स्किप करना है, लीव करना है, या शॉर्ट वर्ड में बोलूं उसको हम पे जंप करके हमने आगे पहुंच जाना है, ठीक है? चलो अगर मैं बोलूं कि मैंने जस्ट सिंपल वे में मैंने वन बोल दिया, वन, ठीक है? वन के बाद आप टू को स्किप कर दो, कहां पे पहुंचे आप? राइट इन द चैट. टू को जंप कर दो, आप टू को स्किप कर दो, कहां पे पहुंचे? यस, वेरी गुड, थ्री पे पहुंचे, है ना? ये क्वेश्चन हो गया. हम जस्ट 2 सेकंड लेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए. अभी अगेन 4 और 5 को स्किप कर, कहां पे पहुंचे? 3 के बाद मैंने 4 5 को स्किप कर दिया, 6 पे पहुंचे, है ना? वेरी गुड. तो अब हमें स्किप ही करना है. मैं फर्स्ट सम लिख रही हूँ, ठीक है? साथ साथ में लिखना स्टार्ट करो. हमारे सिलेबस में हमारे पास है, हमने जंप किस किस के साथ करना है, स्किप काउंटिंग करनी है 2 की 5 की. छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर बिग तक पहुंचेंगे. बहुत इजी टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, ठीक है? तो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ. काउंटिंग बाय टूस, राइट द next, write the next, counting by twos, write the next 4 numerals of. numerals मतलब नंबर ठीक होते हैं. a average 2559. बहुत इजी है. पहले मैं आपको बता दूं. हां जी, ओके. किसी को कुछ क्वेरी होगी बच्चे चैट बॉक्स में लिखना, ऐसे बीच में इंटरप्शन होती है फिर अच्छे से हो नहीं पाता, कनेक्शन टूटता है ना हमारा ऐसे. तो काउंटिंग बाय टूज, राइट नेक्स्ट 4 न्यूमरल्स ऑफ, मतलब आपने 2 2 को स्किप करते जाना है. 2 2 की काउंटिंग के हिसाब से नेक्स्ट 4 नंबर्स लिखने हैं आपने, इसके नेक्स्ट 4 नंबर्स. तो करना क्या है आपने, इजी वे में बताती हूँ. जो नंबर आपको गिवन हो ना उसमें 2 को क्या कर दो, एड कर दो, और वो अपने आप ही नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. मैं साइड पे रफ पे कर रही हूँ. जैसे हमारे पास है 2559, 2 बोला है ना हमने, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे. हमारे पास कितना आएगा, 9 plus 2 1 6 2 5. मींस जब हमने 2 नंबर्स को स्किप किया तो हमारे पास क्या आया, 2561.
फिर हमने इसके आगे स्किप करना है, जो हमारे पास आंसर आया फिर उसमें 2 प्लस कर दो। अब मैं इसमें 2 प्लस कर दूं, 3625 मींस नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 2563। नाउ क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स इसके बाद क्या आएगा, जब मैं इसमें 2 ऐड करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेशन रफ में है, आपकी भी करनी होगी तो रफ में कर सकते हो। उसके बाद मैंने इरेज कर दिया। सी उन्होंने कितने फोर न्यूमरल्स बोले थे, फोर नंबर्स बोले थे, है ना, फोर नंबर्स बोले थे उन्होंने, तो हमने कितने लिख लिए, 1 2 3 4 हो गए फोर। बस अगर वो फाइव बोलते हमने फाइव तक पहुंच जाना था, है कुछ नहीं। देखो 61 63 65 67 बीच बीच में हमने उस 2 की स्किपिंग के की, मतलब 61 के बाद 62 आता है, फिर 63 आता है, ठीक है ना, तो हमने 63 पे जाके स्टॉप किया, मतलब 1 के बाद पहले 2 पे जंप किया, 2 के बाद 3 पे जंप किया, ऐसे, ठीक है, मतलब वो 1 पे था। देखो ऐसे लिखते हैं, ये है 61, ये है 62, ये है 63। मैं मान लूं कि मैं यहाँ पे थी, मैं 61 पे थी, 2 की जंपिंग करनी है ना हमने, जब मैंने 61 से 62 में जंप किया, 1 जंप और 2 जंप, क्लियर हुआ, 2 जंप के बाद हम 63 पे पहुंच गए। फिर 63 पे थी जब मैंने 1 जंप की, मैं 64 पे आई, मैंने नेक्स्ट जंप की तो मैं 65 पे आई, ऐसे, ठीक है, सिंपल, क्लियर हुआ, क्लियर, शो मी योर थम्स अप इफ यू आर क्लियर, वेरी गुड। स्टिल यू हैव एनी डाउट सो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। लेकिन आपको पता है जब हम न्यू टॉपिक करते हैं फर्स्ट सम से इतनी क्लैरिटी नहीं होती, तो जब हम आगे आगे करेंगे तो आप बच्चों को सारा पता चल जाएगा। ओके सो दिस इज द फर्स्ट सम, डू इट ऑन योर नोट, कंप्लीट कर लो इसे। और मैं बार बार आपको हर बड़ी क्लास में बोलती हूँ, अगर किसी का रह जाए है ना, तो हम क्या करते हैं, क्लास वर्क की वर्कशीट भी आपको आती है ना ग्रुप में, तो वहां से कंप्लीट कर लिया करो। आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है कि मैम मेरा रह गया है। बी पार्ट इज, पहले ये कर लो, आई एम गिविंग यू टाइम, पहले ये कर लो। वेरी गुड आईडी विजयंती, यू हैव डन वेरी गुड। बस ऐसे चैट बॉक्स में आपने साथ साथ में रिस्पॉन्ड करते रहना है कि आई हैव डन या प्लीज वेट मैम, ऐसे जो भी आपको चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज 4996, फिर अगेन वही है 4996, बस इसमें 2 ऐड करते जाओ। मैं साइड से कर रही हूँ, 4996 में मैंने 2 ऐड किए, 6 + 2 = 8, तो क्या आया आपका 4998, है ना। बस फिर आप इसमें 2 ऐड कर लो, जब आप इसमें 2 ऐड करोगे, नीचे कर रही हूँ बोर्ड, 8 + 2 = 10, 9 + 1 = 10, अगेन 5000 में जब 2 ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट, जब हम जो चैट बॉक्स में लिखो आपने क्या पूछना है, चैट बॉक्स में लिखो। ओके आईडी विद आरा मेहरा, रॉन्ग है बच्चे आपका, आरा रॉन्ग किया आपने, 998 है, इसमें 2 ऐड करो तो 5000 आता है, ठीक है। सो इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे 5002, और लास्ट में भी जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट 5004। सो दिस इज आवर आंसर।
हमने जो स्टूडेंट टू को ऐड किया है आईडी विद भार्गवी दी. वेरी गुड, योर आंसर इज राइट. बस जो आपको नंबर दिया हो और जो ऊपर लिखा हो कि टू की काउंटिंग करो या फाइव की, बस वो ही करना, आप ऐड करते जाओ. ठीक है, 98 पे थे मतलब 998, फिर जब ऐड करते गए तो सिंपल वे में होता गया. बहुत इजी है ये. इजी लगा टॉपिक? जैसे डेली करते हो वैसे ही है, बस थोड़ा सा ही मोल्ड होता है हर बारी. सारे मैथ्स की कैलकुलेशंस आर सेम. आई हैव डन बी पार्ट. मन्नत, वेरी गुड. ओके, कंप्लीटेड. 1 मिनट दे रही हूं, मैं साइड पे हूं. यू कंप्लीट. Done. Shall I erase? किसी का रहता है तो प्लीज लेट मी नो बच्चे, राइट इन द चैट बॉक्स. डन. मोस्टली स्टूडेंट्स आर राइटिंग डन, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया एंड वी हैव डन काउंटिंग बाय टूज. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास. ठीक है, स्टेटमेंट सेम है, मैं सिर्फ सम नंबर चेंज कर रही हूँ. आप बच्चे स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, या मत भी लिखना, नो प्रॉब्लम, बुक पे है, सिर्फ सम सॉल्व करने पे आप ध्यान दो. सो काउंटिंग बाय फाइव्स, राइट द नेक्स्ट फोर न्यूमरल्स ऑफ. ठीक है, तो ए पार्ट. अगेन इसके टू पार्ट्स हैं. 6790. जैसे हमने पिछले में 2 ऐड किए थे, मतलब 2 पे जंप किया था. अब हमने कितने पे जंप करना है? 5 पे. अब हमने ऐड कितने कितने करने हैं? 5 ऐड करने हैं. ठीक है, बस जितना लिखा हो उतना ही करना है. मैं साइड पे कर रही हूँ. 6790 जब हम 5 ऐड करेंगे आपको मिलेगा 5976. आंसर हम लिखेंगे 6795. ठीक है, एक जंप हमने लगा ली है, 90 से 95 की जंप हो गई है. जपन जोत बोल रहे हैं कि आई हैव डन क्लास वर्क एंड होमवर्क इन वन नोटबुक. बच्चे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था कि आपने क्लास वर्क अलग लगानी है, होमवर्क अलग लगानी, मैंने आपको बोला था. फिर ये आपके मिस्टेक है ना, तो अब आपने क्या करना है, जब भी आपने नोटबुक भेजनी हो आप वही भेज दो, लेकिन ऊपर प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए कि दिस इज क्लास वर्क, दिस इज होमवर्क. लेकिन फ्रॉम टूडे यू हैव टू मैनेज 2 नोटबुक्स. आपके के लिए जपन जो 2 नोटबुक्स लगा दे. से राइट और यस और नो इन द चैट बॉक्स. जपन जो आई नीड 2 नोटबुक्स, मतलब आपने 2 ही लगानी है. मम्मा जी, तो एक जंप लगाई हम 5 पे पहुंचे. ओके, पहले आंसर्स लिख लिए हैं, आंसर देखूं. वेरी गुड, भार्गवी ने लिखे आंसर, आरव ने लिखे, गुड. So, इसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं. 6800. ओके, ये गिवन था, सो ये मैंने रिपीट कर दिया. देखो नेक्स्ट जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे 6805 and 6810. बस ऐसे 5 को हमने स्किप करके जाना, 5 की जंप. जैसे पहले मैं यहाँ पे थी, ठीक है, फिर मेरी फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप. ओके, तो इसमें हमने 5 का स्किप किया है. 795 पे हमने जब 5 जंप्स लगाई, मतलब फिर हम 96 पे पहुंचे, है ना.
सिंपल वे में करते हैं 795 लिखा है, मैं जस्ट एक बार ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 96, 97, 98, 99, फिर उसके बाद आपका है ये, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट जंप, फिर 6 से 7, सेकंड जंप 8, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, मतलब 5 जंप्स लगी मेरी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर ऐसे उसके बाद 5 जंप्स स्किप करते जाना हमने। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट, 3540। अब ये मैं नहीं करूंगी, आप करोगे और मैं चैट बॉक्स में से आपका आंसर देखूंगी। 3540, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ एंड लेट मी नो द आंसर। जिसका फर्स्ट आंसर आएगा मैं वही वाला आंसर बोर्ड पे लिखूंगी। करो, आईडी भी समरीद, ऐसे नहीं, पूरा पूरा आंसर चाहिए मुझे, वन नंबर नहीं, फुल आंसर। ओके, आईडी भी समीर सैनी ने आंसर लिखा है, वेरी गुड। शिवांग का आया फुल आंसर, सिमरप्रीत गुड, भार्गवी आरव वेरी गुड। सो मैं भी बोर्ड पे लिख दूं, 40 के बाद अगर हम 5 जंप्स लगाएंगे सो व्हाट वी विल गेट, 45, है ना, 3545। फिर आएगा 50, है ना, 3550, 3560। सिंपल, जिन्होंने कर लिया है मैच कर लो, जिन्होंने नहीं किया सो वो भी कर ले, लेकिन ट्राई कि सबने खुद करना है और इतना आपने क्विक रहना है कि यू विल राइट इन योर नोटबुक्स आल्सो एंड साइड बाय साइड इन द चैट बुक आल्सो। आईडी विद धनकौर, आपने क्या लिख दिया बच्चे, रॉन्ग है आपका, फर्स्ट नंबर आपका राइट है, अभिनव का आया, मन्नत का आया, गुड, फर्स्ट आपका राइट है बट बाकी रॉन्ग है। उदयवीर डन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे, ओके, अनहद गीतांश, आई हैव डन ग्रेट। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, थर्ड सम, टू हो गया, फाइव हो गया, ये थे सारे स्मॉल स्मॉल। अगर आपको कुछ भी आ जाए, अगर मैं बोल लूं काउंटिंग बाय 8 तो आप क्या करोगे, 8 ऐड कर दोगे। अगर मैं बोलूं काउंटिंग बाय 15, मतलब कुछ भी आए आपने उतने ऐड कर देने, ठीक है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा बिग पे, अब हम करने वाले हैं बाय, किसके साथ करने वाले हैं हम, 100 के साथ, ठीक है। अब हम 100 के साथ करने वाले हैं, सो ए पार्ट इज 6500, 100 के साथ करने वाले हैं। करो, बहुत इजी है, मैं साइड पे कर रही, इसमें हमने कितने ऐड करने हैं, 100 ऐड करने हैं। 6600, समीर सैनी ने तो ऑलरेडी लिख दिया है, वेरी गुड, बहुत सिंपल है ना। तो इसका आंसर आएगा 6600, 6700, 6800। ऐसे हम माइंड में भी करते जाएंगे, जरूरी नहीं कि हम साइड पे कैलकुलेशन करें या प्लस करें, हम माइंड में भी करेंगे क्योंकि मेंटल मैथ्स में ऑलरेडी हम ऐसे सम्स करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम फुल कैलकुलेशन करें। सो वी विल आल्सो डू इट इन अवर माइंड आल्सो, सीधा ही हम सोचेंगे इसके बाद क्या आना है, सो वी विल राइट, ठीक है। इसके मैं आपको टू वेज बताना चाहती हूँ, एक तो हो गया जैसे 6500 में आपने क्या किया, 100 ऐड कर दिया और आपके पास आ गया 6600, ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी है हमारे पास,
आपको जो लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। और ये मेथड है सिर्फ 10, 100, 1000 के लिए, ठीक है। आपने 100 को ऐड करना है, ओके। यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, इसमें 100 प्लेस पे क्या है। 6500 में व्हाट इज दैट 100 प्लेस, 5, यस 5 है ना। तो जो 100 प्लेस पे है ना उसमें 1 ऐड करो, बस ये भी है इजी। और इसके लिए कैलकुलेशन नहीं, माइंड में कि 100 प्लेस पे जो है उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे और अगेन हमारे पास क्या आएगा, ये कि जो 100 प्लेस पे है उस पे 1 ऐड कर दो। या इजी वे यही है कि जो नंबर गिवन है उसमें 100 क्या कर दो, ऐड कर दो। सो देयर आर टू वेज जो आपको पता होने चाहिए कि आप माइंड में भी कर सकते हो। सोचो 100 प्लेस पे क्या है, उसमें 1 ऐड कर दो। सो सेकंड पार्ट इज बी पार्ट 7010। करिए, इसके बाद मैंने आपकी नोटबुक्स देखनी है कैमरा के सामने, करो 7010। साथ में मैं चलो देखती हूँ आपको कौन कैसे कर रहे हैं। जपन जोत कहाँ घूम रहे हो, यू आर नॉट स्टिल, या कैमरा घुमा रहे हो। ओके, गॉट आंसर आरफ का। और बहुत सारे कैमराज ऑफ हैं बच्चे, ऑन योर कैमराज, मैं आपको कैसे देखूंगी कि आप वर्क कैसे कर रहे हो। एक भी हो गया, एक भी बच्चे, वेरी गुड। अव्या भी कर रही है, सबका पता चल रहा है ना, सबके फेसेस दिख रहे हैं। आरव ने भी कर लिया है, दिनेश ने कर लिया आईडी पे। दिनेश बोलना नहीं है, ऐसे नैखे आके बता दो नो। ओके, करो फिर करो। ओके, ज्योत्सना का भी आंसर आ गया, अबे वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, डन। सो मैं सिर्फ फर्स्ट वाला कर रही हूँ कि पहले पे क्या आना है, बाकी आपने खुद कर लेना है ना। तो 7010 है, इसमें आप जब 100 ऐड करोगे यू विल गेट 7110। सो 7110, 7210, 310 एंड 410, सिंपल। बस एक आप अच्छे से फाइंड आउट कर लो, बाकी सबको ऐसे कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, है ना, सिंपल। एक अगर आपको पता हो तो आप उसको आगे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कर लो कंप्लीट इसे। करो इरेज बच्चे, शैल आई इरेज। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर पे है हमारे पास काउंटिंग बाय थाउजेंड्स। बाकी सारी स्टेटमेंट अगेन सेम, काउंटिंग बाय थाउजेंड्स राइट द नेक्स्ट फोर न्यूमरल्स ऑफ, जो भी आपको नंबर दिए होंगे उसके नेक्स्ट फोर लिखना है आपको, लेकिन बाय थाउजेंड्स, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, थाउजेंड को ऐड करते जाओगे। ए पार्ट इज
6230. बहुत इजी है, करो। अभी मैं ये स्टार्ट भी नहीं करूंगी, आप बच्चे करो, आपकी प्रैक्टिस होगी ज्यादा से ज्यादा। आंसर तो मैं बाद में लिखूंगी ही। 6230। और 6230 ओके, मैं बोलूंगी नहीं अभी, अदर्स आर डूइंग, करो। समीर, सैनी, अव्या, यस, वेरी गुड, मींस यू पीपल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर आप थाउजेंड्स तक जाके इतना इजी से कर रहे हो, इट मींस आपको कोई भी आ जाए, यू कैन डू इट इजीली, है ना। ऑरली भी बता सकते हो आप और लिख के भी बता सकते हो। चलो करें थाउजेंड से। So six, अगर मैं यहाँ पे 1000 को ऐड कर दूँ तो क्या आएगा आपका? 0, 3, 2, 7, फिर 7 के बाद 8, 9, 10, बस उसको कंटिन्यू करते जाना। तो 7230, 8230, 9230, 10,230। ये काउंटिंग हमारी 10,000 तक चली गई है, क्योंकि 6 से स्टार्ट किया है, 6 तो हम लिखेंगे ही नहीं। 7, 8, 9, 10, भार्गवी, हीरा, आस्तिक, गुड, ठीक है। तो बस माइंड में आपने काउंटिंग ही रखनी है कि 6 के बाद 7, 8, 9, 1000 बोलना है तो 1000 प्लेस में चेंज करना है, बाकी सारा सेम है ना, 230, 230, 230, बट 1000 प्लेस हमारी चेंज हो रही है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, है ना, कंप्लीटेड। बी पार्ट इज 3164. हो गया किरण, आईडी विद किरण कर रहे, करो। अनुप्रिया, डन, सिमरप्रीत, अरमान, अरमान कर रहा है, करो बच्चे। अब है तो इसका आंसर लिखते हैं, 1000 स्पेस पे चेंज करना है, 4,164, 5,164, 6,164, 7,164, done, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि राइट नेक्स्ट 4 न्यूमरल्स, अगर आपको 5 न्यूमरल्स बोलने वो तो आपने आगे एक और लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने 4 तक लिखा है, लेकिन अगर आपको ज्यादा आए तो आप 5 भी लिख सकते हो, 3 बोलेंगे तो आप 3 लिखोगे, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने करने हैं। नाउ कंप्लीट इट ऑन योर नोटबुक्स। अच्छे वे से आपने नोटबुक को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, वेदर इट इज क्लास वर्क और होमवर्क। क्लास वर्क चाहे मैं देख रही हूँ साथ साथ में, आपको पता है, लेकिन बीइंग अ गुड स्टूडेंट आपने अपनी क्लास वर्क को भी अच्छे से रखना है। ये नहीं कि ये रफ नोटबुक है तो इसे रफ की तरह ट्रीट करना है, नो, अच्छे से, ताकि कल को आपको कुछ देखना पड़े, उसमें से कोई सम वगैरह ढूंढना पड़े तो आप इजीली उसे ढूंढ सको, है ना। ये ना हो कि बहुत सारा फ्लारा डाला हो तो आपको कुछ पता ही ना चले कि हमने किया गया है। प्रॉपर डेट, डे शुड बी देयर, टॉपिक नेम वहां पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, कंप्लीटेड,
so we have done our today's sums. So what we have done today, we have done skip counting. Skip counting by 2, skip counting by 5, skip counting by hundreds and skip counting by 1000. Simple, ठीक है? तो ये तो वो skip counting है that is given in your book. लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको आ जाए कुछ भी mental math के वे में तो I hope आप सब कर सकते हो, है ना? कर सकते हो ना अगर कोई और भी आ जाए तो. ये तो नहीं कि आप बोलोगे कि हमें 2 या 5 की आती है. अगर आपको कोई भी आ जाए यू कैन डू और नॉट शो मी योर थम्स अप ऐसे कि अगर आप कर सकते हो कोई भी. वेरी गुड, ठीक है. आपने ये नहीं बोलना कि हमें ये करवाया नहीं है. यस कृष्णम, आप अपना थम्स अप दिखा रहे हो. तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Complete your homework, complete your classwork, and if you have any doubts, so you can ask me. अभी आपने अगर कुछ पूछना है regarding this topic, not more than that. अगर this recording topic के regarding आपको कोई query है या कुछ समझ नहीं आया, so please let me know. You can write in the chat box. Excuse me, ma'am. अंजी. Ma'am, जो आपने अभी work करवाया है, book में भेजोगे? हाँ बिल्कुल. हाँ जी, डेली आता है बच्चे, क्लास वर्क भी आता है आपको और होमवर्क भी आता है. एक्सक्यूज मी मैम. यस बच्चे. मैम जो आपने स्किप काउंटिंग 2 और जो 5 कराया है उसमें जो भी नंबर है जैसे आपने जिसमें 5 बाय काउंटिंग कराई है उसमें आपने पार्ट में कराया 6 7 9 0, तो जब उसका आंसर लिखेंगे उसके सबसे पहले उसका क्वेश्चन भी लिखना है? नो, वो नहीं हम काउंट करेंगे, वो नहीं लिखेंगे हम. अगर आप लिख भी दोगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हम वो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है. हमने नेक्स्ट लिखना है. देखो मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट, है ना, कि मतलब इसके आगे वाले, वो नहीं हम काउंट करेंगे. ओके ओके. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैव अ नाइस डे. नाउ यू ऑल कैन लीव बच्चे.